नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बढ़ते प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता में कमी को लेकर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चीन और रूस पर निशाना साधा। अमेरिका का आरोप है कि ये देश अपनी वायु गुणवत्ता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जबकि अमेरिका इस ओर ध्यान देता है। यही वजह है कि इन देशों के मुकाबले अमेरिका की वायु काफ़ी अच्छी है। ट्रंप ने पेरिस समझौते का जिक्र करते हुए ये बात कही। पेरिस समझौते को एक तरफा और ऊर्जा बर्बाद करने वाला बताते हुए ट्रंप ने कहा कि वो इस समझौते से अलग हो गए। ट्रंप ने कहा कि पेरिस जलवायु समझौते से हम एक गैर प्रतिस्पर्धी देश बन जाते। हमने ओबामा प्रशासन की नौकरियों को कुचलने वाली ऊर्जा योजना को रद्द कर दिया। ट्रंप ने ऊर्जा पर अपने संबोधन में बुधवार को कहा कि इन दंडात्मक पाबंदियों को लागू करके और पाबंदियों से इतर वॉशिंगटन के कट्टर वामपंथी सनकी डेमोक्रेट्स असंख्य अमेरिकी नौकरियों, कारखानों, उद्योगों को चीन और प्रदूषण फैला रहे अन्य देशों में भेज देते। ट्रंप ने कहा कि वह चाहते हैं कि हम वायु प्रदूषण पर ध्यान रखें, लेकिन चीन इसका ध्यान नहीं रखता। इस दौरान उन्होंने भारत को भी निशाने पर लिया और कहा कि भारत भी अपने वायु प्रदूषण पर ध्यान नहीं रखता, रूस अपने वायु प्रदूषण पर ध्यान नहीं रखता, लेकिन अमेरिका इस पर ध्यान देता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि जब तक मैं राष्ट्रपति रहूंगा तब तक हम हमेशा अमेरिका को अब पहले रखेंगे। ये बात बहुत सीधी है। दिसंबर 2018 में प्रकाशित ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है। 2017 में 4 शीर्ष उत्सर्जक, चीन 27%, अमेरिका 15%, यूरोपीय संघ 10% और भारत 7% थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।